नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोनेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, किलोवाट में क्यों नहीं होती है। तो दोस्तों, जब तक अगर आपने हमारा इलेक्ट्रोनेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है, हमें हमेशा ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों होती है। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर की जो लॉसेस होते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेस होते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर लॉसेस हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर लॉसेस धारा पर निर्भर करते हैं। कॉपर लॉसेस जो होते हैं वो करंट पर, धारा पर निर्भर करते हैं, जबकि लोहे हानियाँ यानी कि आयरन लॉसेस वो वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं या वोल्टेज पर निर्भर रहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें संपूर्ण हानियाँ, टोटल हानियाँ, तो वो निर्भर रहती है वोल्टेज और एम्पियर पर, वोल्टेज पर और एम्पियर पर निर्भर रहती है। और इनके मध्य वोल्टेज और धारा के मध्य कला कोण पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि जो इनका कोण है कोस फाई, इन पर डिपेंड नहीं करती है, अर्थात हानियों के भार के शक्ति गुणांक से कोई संबंध नहीं रहता है। इसलिए ट्रांसफार्मर की क्षमता केवीए में होती है या केवीए में लिखी होती है। किलोवाट में क्यों नहीं होती है, क्योंकि किलोवाट एक्चुअल पावर है और केवीए है जो अपेरेंट पावर है। एक्चुअल पावर और अपेरेंट पावर में बहुत अंतर है, तो इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में लिखी होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस हमेशा डिपेंड करते हैं वोल्टेज और एम्पियर पर, इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में लिखी होती है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।